पन्ना के खदानों में सिल्का डस्ट मिलने से सिल्का डस्ट जो वो काम करने में ना के मुंह के जरिए उनके लंग्स में जाती है, जिससे सिलिकोसिस होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं। सुरक्षा ही इसका एक इलाज है जो यहाँ पर नहीं है। क्या करते हैं आप? पत्थर खदान में काम करती रही। अच्छा, कितने दिनों तक किया है? हमने किया है 20-22 साल। ठीक है, कितना कमा लेते थे काम कर? अरे जब उस समय पे 50 रुपया मिलते थे, फिर बढ़ते बढ़ते उनकी आज 75 हो गए, 80 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, ऐसे मतलब बढ़ता ही गए, 200 तक हमने काम करू है। ठीक, कब पता चला आपको कि आपको बीमारी है? ये सब जब इनके साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो आपस में डॉक्टर आए थे बाहर के, हाँ 2011-12 में, हाँ, फिर तो उनने हमको बताया कि तुमको बीमारी है। हमने काम छोड़ दिया, बोले तुम काम नहीं करोगे और करोगे तो मर जाओगे। ठीक है, उनने दवा दी थी 2 साल के लिए, तो दवाएं खाते रहे। कहाँ काम करते थे आप? ये तो इम्पड़ोर में पत्थर खदान चलती थी, सुई में करते थे, करत करते थे से बंद हो गए, फिर नालंगाव जाते आई लालिया लाल जल पाप पन्ना के बगल है नालिया, पत्थर खदान होते खाते फिर होता था, हमारी तबीयत खराब भई है। कितना मिलता था? वही 70-75, जहाँ जैसे ठेकेदार ने काम देख लिया देख मद्दा। डेली कितना कमा लेते? डेली वही 70-75 रुपया कौन दे दो कौन ना 70 दो कोई 75 दो। कितने साल तक किया खदान में काम? वही 15 साल तक, दिन भर काम करे, शाम को खून गिरे मुँह से, खाना पीना खाए, पढ़ने का टाइम होगा तो खून गया, तो फिर हमने कही अब नुस्खा नहीं हुई, अब काम बंद कर दिया। तो अभी क्या कर रहे हैं फिर, कैसे आजीविका चल रही है? अब कहा है यही बैठे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, घर वाली नकली बेच रही है, सोई नकली में चला रहे हैं। हमने MP में खास तौर से पन्ना, विदिशा, गंजबसौदा और भिंड, इन जिलों में हमने ये देखा कि पत्थर की खदाने हैं, काफ़ी संख्या में खदाने हैं, उसमें से काफ़ी इलीगल हैं, कुछ लीगल हैं, और इसमें काम करने वाले मजदूर खास तौर से जो ठेके वाले मजदूर हैं उनमें हमने समस्या काफ़ी देखी। उनको फेफड़ों की बीमारी जिसका नाम सिलिकोसिस है, उससे वो काफ़ी हद तक ग्रसित हैं। इस बीमारी में फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और ये बीमारी इस वजह से होती है कि जो खदान में धूल उड़ती है वो फेफड़ों के अंदर जाती है और जम जाती है, उससे सिलिकोसिस हो जाता है और फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है, उसके अनुमान से तकरीबन 30 लाख या 3 मिलियन लोग जो है, जो वर्कर्स हैं, जो स्टोन क्वारीज में हैं, स्टोन क्रशर्स में हैं, फिर जो ऐसे हार्ड रॉक कॉपर डायमंड इन माइंस में हैं, इनको प्रभावित होंगे उनका अनुमान है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो सिलिकोसिस और ट्यूबरक्लोसिस के बीच में अंतर नहीं समझते हैं, इस वजह से जो है ट्यूबरक्लोसिस के नाम में उनका ट्रीटमेंट होता है, जिससे और भी वो लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं। और यहाँ कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जिला चिकित्सालय है, जिससे यहाँ पे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पन्ना में ले लीजिए, जब NHRC ने और कोर्ट ने बताया, फिर उनको कुछ कॉम्पनसेशन दे दिया, मगर उसके आगे के लोगों को क्या करेंगे? तो कह रहे हैं उनको जो है हेल्थ कार्ड में एक ठप्पा लगा दिया कि वो सिलिकोसिस पेशेंट है, इसलिए जब वो हॉस्पिटल आएंगे तो उनको प्रायोरिटी में देखा जाएगा। सरकार की तरफ से ना तो कोई कैंप लगाए जाते हैं और ना ही कोई सर्वे कराया गया है आज तक।
हम लोगों ने जो निकाला वो 162 है। अगर सरकार अपने स्तर पे गंभीरता से इसका सर्वे कराए, मजदूरों की जांच कराए, तो निश्चित रूप से ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। क्योंकि हम लोगों के पास ना संसाधन है, हम तो एक मॉडल के तौर पे हमने देखा कि ये हम सरकार के सामने रखेंगे और सरकार फिर इस ओर काम करेगी जिससे मजदूरों को लाभ मिलेगा। और ये तो पन्ना भर की बात है, आप पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 10,000 से 20,000 मजदूर ऐसे हैं जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। हमारा विभाग जो है श्रम विभाग और स्वास्थ्य विभाग है, इसमें संवेदनशीलता के साथ में काम कर रहा है। मुआवजे का भी प्रावधान किया हुआ है और जो पात्रता थी जिनको, उनको मुआवजे भी 3-3 लाख रुपए की। कभी कोई सरकारी मदद उदद मिली? एक बार एक मिली थे बस। क्या मिला था? 3 लाख रुपया मिली थी उसको मरने के बाद। हाँ ठीक, और कोई मदद नहीं। हम लोगों को जो पैसा सिली को उसका मिलता है 3 लाख रुपए, वो हमारे जीते जी मिल जाए तो हम लोग कुछ इलाज करवा सके, खाना पीना खा सके। मरे के बाद मिलता है तो कौन काम करेगा? सरकार से हमारी अपील यही है। Thank you.